नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जो मेरे दोस्त एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, खासकर कृष्णामूर्ति पद्धति केपी एस्ट्रोलॉजी में, यदि उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो कल होने वाले दो मैच हैं, उनमें से एक मैच ढाका डायनामाइट वर्सेस रंगपुर राइडर्स के बीच में है। तो कल का दिन ज्योतिष की नजर में किसके फेवर में रहने वाला है, कौन सी टीम टॉस या मैच जो है वो जीत सकती है। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को, मित्रों को ये कहना चाहूंगा, काफी दोस्तों के फोन कॉल भी आए, मैसेज भी आए मुझे, फेसबुक मैसेंजर पे भी मैसेज आए कि आपका एक मैच जो है वो गलत हो गया। तो मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जब कोई एस्ट्रोलॉजर, चाहे मैं खुद हूं, प्रेडिक्ट करने बैठते हैं तो उस वक्त एस्ट्रोलॉजर का जो ग्रह दशा गोचर है कई बार वो साथ नहीं देता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हमेशा जो भी एस्ट्रोलॉजर, चाहे मैं चाहे कोई भी एबीसी एस्ट्रोलॉजर, जो मैच की प्रेडिक्शन करते हैं, आप सबको उसकी रेशो देखनी चाहिए, एवरेज देखनी चाहिए कि 10 में से कितने मैच किसी एस्ट्रोलॉजर के सही जा रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं। यदि किसी एस्ट्रोलॉजर के, कोई भी हो, 10 में से 7-8 मैच सही जा रहे हैं तो आप रेशो देखिए 70% या 80% बैठती है प्रेडिक्शन की। तो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि 10 में से 2-3 मैच मेरे गलत हो जाएं। आईपीएल में भी मैं प्रेडिक्ट करता हूं, कंटिन्यू 2 साल से प्रेडिक्ट करता आ रहा हूं, आने वाले आईपीएल में भी मैं प्रेडिक्ट करूंगा। सो गलत सही ऊपर वाले के हाथ में है, अपना कर्म जो है वो ये है कि विद रूल जो टीम मुझे लग रही है मैं वो प्रेडिक्ट कर देता हूं। सो बात करते हैं कल के होने वाले मैच की, ढाका वर्सेस रंगपुर राइडर्स पे। सबसे पहले जैसे कि मैं बताता हूं हर वीडियो में कि जो भी प्रेशन हो मून को पहले चेक करेंगे क्या वो उन हाउसेस से रिलेटेड है। जब एनालिसिस किया ये चार्ट तो मून जो है राहु के नक्षत्र और शनि के उप नक्षत्र पे गोचर कर रहा है। मून फिफ्थ हाउस जो कि 6 से 12 बना है, 10th हाउस जो भी टीम जीतेगी नेम एंड फेम। राहु थर्ड हाउस रिप्रेजेंट मून 5-10। सैटर्न थर्ड में, फोर्थ हाउस का लॉर्ड बना सूर्य के साथ, 11th हाउस गेन। बुध के साथ 12th हाउस लॉस, मतलब मून और हाउसेस से रिलेटेड है। आगे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टॉस कौन जीत सकता है। इस चार्ट में ढाका की तरफ जो 9th कस्पल सबलॉर्ड बना वो बना वीनस, जो कि 2nd हाउस में है और 1st 8th हाउस का वो लॉर्ड बना। वीनस सैटर्न के स्टार में, जो कि 3rd में 4th हाउस का वो लॉर्ड है, युति डिग्रीकली बुध के साथ है, जो कि 3rd और 12th हाउस का वो लॉर्ड बना। वीनस अपने ही सब में है, सब वीनस कनेक्टेड है, स्टार ऑफ सब सेक्टर। रंगपुर राइडर्स की तरफ 9th कस्पल सबलोड है जो वो बना मून, जो कि 5th में है, 10th हाउस का वो लॉर्ड बना, अनटेनेंटेड है, 3rd हाउस का वो कस्पल सबलोड बना।
राहु के स्टार में जैसे हम बात कर चुके हैं, राहु नाइन्थ हाउस में, और राहु के ऊपर जो दृष्टि है वो गुरु के एस्पेक्ट है, जुपिटर जो कि सेकंड हाउस में है, और राहु रिप्रेजेंट मून, मून फिफ्थ में, टेंथ हाउस का लॉर्ड, थर्ड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बना, और मून जो है वो शनि के सब पे है, सैटर्न के सब पे है। और सैटर्न आजकल वीनस के स्टार पे गोचर कर रहा है, वीनस एट सेवन और सेकंड, तो टॉस मेरे हिसाब से कल जो है मैच में वो रंगपुर राइडर्स को जीतनी चाहिए। अब बात करते हैं मैच की, ढाका डायनामाइट्स में जो सिक्स कस्पल सबलॉट बना वो वीनस ही बना, वीनस देखेंगे तो वीनस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एट ट्वेल्व एंड कनेक्टेड विद थर्ड फोर एंड ट्वेल्व, इस तरफ सिक्स्थ हाउस मतलब चार्ट को रोटेट करने के बाद कस्पल सबलोड जो बना रंगपुर राइडर्स का वो बना वीनस, जो कि एट्थ हाउस में है, सेकंड और सेवंथ हाउस का वो राशि रोड बना, सैटर्न के स्टार में सैटर्न जो है वो नाइन्थ हाउस में, टेंथ हाउस का वो लॉर्ड बना सेवन से, डिग्रीकली मर्करी के साथ, मर्करी भी नाइन्थ हाउस में, सेवन से ट्वेल्व जो है वो सिक्स बना, वीनस जो है वो अपने ही सब में है, नेंटर स्टार ऑफ सब सैटर्न नाइन टेन, मर्करी के साथ नाइन सिक्स, और सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट मून के ऊपर है, एस्पेक्ट मून, मून देखिए सेवन से फिफ्थ हाउस में है, इलेवन बना, और सेवन से टेंथ हाउस जो है फोर बना, और कस्पल सब लॉर्ड बना नाइन्थ हाउस का, तो सिक्स कस्पल सब लॉर्ड रंगपुर राइडर की तरफ हमें जो सिग्निफाई कर रहा है वो है टू सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, और कनेक्टेड विद फोर सिक्स नाइन टेन एंड इलेवन, मतलब मैच भी जो है वो रंगपुर राइडर्स को जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। सो बाकी क्या होता है ये ऊपर वाला जानता है, मेरे तरफ जो एनालिसिस निकल के आया कि कल बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो पहला मैच होगा उसमें रंगपुर राइडर्स जो है टॉस और मैच दोनों जीतने चाहिए। सो ये था आज का वीडियो आप सब दोस्त मित्रों के लिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करेंगे उत्साहित करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो जो है आपके लिए लेके आऊंगा। सो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।